सिंड्रेला का फ्रॉक और चूड़ियाँ। बहुत समय पहले की बात है, फ्रांस राज्य में सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ और बहन टैनी के साथ रहती थी। सिंड्रेला दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी हिरने जैसी आंखें, उसका चंचल स्वभाव हर किसी का दिल जीत लेता था। सिंड्रेला का बचपन का दोस्त था सोहेल। सोहेल उस साम्राज्य के राजकुमार थे। सिंड्रेला, मैं आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए विलायत जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो सोहेल? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ना जाओ? अरे पगली, देश और समाज में बदलाव लाने के लिए अच्छी शिक्षा का होना बहुत जरूरी है, इसलिए जा रहा हूँ। पढ़ाई खत्म होते ही लौट आऊँगा। सोहेल, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? कैसी बात कर रही हो सिंड्रेला, ऐसा कभी हो सकता है? मैं जल्दी लौट कर आऊँगा, तुम मेरा इंतजार करना। और यह लो, यह फ्रॉक मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मैं जब विलायत से लौट कर आऊँ तब तुम मुझे इसी फ्रॉक में मिलना। सोहेल, ये मेरी चूड़ियाँ हैं, इसे अपने पास रख लो। ये तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाती रहेगी। ये चूड़ी मेरी माँ की अंतिम निशानी है, इसे तुम विलायत से लौटने के बाद मेरे हाथों में पहना देना। बाय सोहेल, अब तुम जाओ, अपना ध्यान रखना। सोहेल चला जाता है और फिर सिंड्रेला भी उदास मन से अपने घर आ जाती है। आ गई महारानी, हम तो जैसे इसके नौकर हैं। हम दिन भर घर में काम करते रहे और ये महारानी राजकुमारी की तरह हर जगह घूमती रहे। माँ, मैं सोहेल से मिलने गई थी। आपको पता है माँ, सोहेल विलायत गया पढ़ाई करने। हाँ हाँ जानती हूँ, पर उससे हमारा क्या? कहाँ वो राजा भोज और कहाँ हम गंगू तेली? हमारी उनके सामने औकात ही क्या है? भगवान की कृपा है जो तुझे अच्छी सूरत दी है। तेरी वजह से राजकुमार हम गरीबों की झोली में कुछ न कुछ डाल दिया करता था, अब तो वो भी नहीं रहा। अरे करमजली, जाने कब अकल आएगी तुझे। जाते जाते राजकुमार से कुछ तो मांग लिया होता, अपने लिए ना सही, कम से कम हमारे बारे में ही सोच लेती। माँ, ये अब कैसी बातें कर रही हो? सोहेल मेरा अच्छा दोस्त है, इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं उससे पैसे और दौलत मांगूं? अरे उसके पास तो कुबेर का खजाना है, थोड़ा तुम्हें दे देगा तो वो खाली नहीं हो जाएगा। तभी टैनी भी उधर से आ जाती है और सिंड्रेला के हाथ में थैले को देखकर बोलती है, थैली में क्या है दिखाओ, जरूर सोहेल ने कुछ अच्छा ही दिया होगा। अरे इसमें तो फ्रॉक है। वाओ, कितना प्यारा फ्रॉक है। महारानी थोड़ा हमारा भी ख्याल कर लिया करो, सिर्फ अपने लिए गिफ्ट लाती हो। टैनी, ये कोई गिफ्ट नहीं बल्कि सोहेल की निशानी है, प्लीज इसे मुझसे मत लो। चुप कर और जाकर अपना काम कर। सोहेल मेरा है और मेरा ही रहेगा, मैं उसे पाकर रहूंगी। अब देखना मैं क्या करती हूँ। अब जा और हमारे लिए खाना बना। और फिर उस दिन के बाद से उसकी सौतेली माँ और उसके सौतेली बहन सिंड्रेला पर खूब अत्याचार करने लगी। वो लोग सिंड्रेला से घर का सारा काम करवाते और उसे ढंग से खाने को भी नहीं देते। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। खाना कोई फ्री में नहीं आता, खाने के पैसे लगते हैं। तुझसे तो ना राजकुमार से पैसे लिए गए और ना ही तू हमें कमा कर देती है जो हम तुम्हें बिठा कर खिलाए। कोई जरूरत नहीं आज खाना बनाने की। हम माँ बेटी बाहर से खाना खा कर आ गए हैं, अब खड़ी खड़ी मेरा मुँह क्या देख रही है? जा, जाकर सो जा। सिंड्रेला दुखी मन से पानी पीकर सो जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। काम और भूख की वजह से सिंड्रेला काफी ज्यादा कमजोर और बदसूरत लगने लगी थी। कहते हैं ना कि वक्त और हालात बदसूरत को भी खूबसूरत बना देता है और खूबसूरत को बदसूरत। यहाँ सिंड्रेला के साथ भी वही हुआ। सिंड्रेला जो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, आज वो बीमार और कमजोर सी लगने लगी। वहीं उसकी बहन टैनी पूरे दिन फैशन में रहती। 10 साल बाद सोहेल विलायत से लौटकर जब घर आया तब टैनी उसी फ्रॉक को पहनकर सोहेल से मिलने चली गई। सोहेल उस फ्रॉक को देखकर ये मान लिया कि यही सिंड्रेला है। सिंड्रेला, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो सोहेल, जल्दी कहो, मुझसे अब वेट नहीं हो रहा। सिंड्रेला, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। वाह, आपने तो मुझसे मेरी दिल की बात कह दी।
मेरा तो बचपन से एक ही सपना है कि मैं इस पूरे साम्राज्य की महारानी बनूं और सब पर अपना हुक्म चलाऊं। अरे तुम 10 सालों में कितनी बदल गई हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे सिंड्रेला नहीं हो? बदल मैं नहीं बल्कि आप गए हो, तभी आप अपने दिए इस फ्रॉक को नहीं पहचान रहे हो। अरे पागल, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, अब चलो। घर आकर टैनी अपनी माँ को सारी बातें बताती है। वाह बेटी, आज मुझे यकीन हो गया कि तुम मेरी ही बेटी है, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। बस एक बार किसी तरह शादी हो जाए, फिर तो हमारा भी रुतबा होगा, लोग हमारे सामने सर झुकाएंगे। पर बेटी, अगर सोहेल को इस बारे में पता चल गया कि तू सिंड्रेला नहीं, फिर क्या होगा? आप चिंता मत करो माँ, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं उस सिंड्रेला की बच्ची की कहानी ही खत्म कर दूंगी। और फिर इस तरह दोनों माँ बेटी सिंड्रेला को एक अंधेरे कमरे में कैद कर देती हैं। माँ ये क्या कर रही हो माँ, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, प्लीज मुझे यहाँ अकेली मत छोड़ो, प्लीज माँ। टैनी टैनी दरवाजा खोलो टैनी, सिंड्रेला चीखती चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इधर सोहेल को भी थोड़ा अजीब लग रहा था। कुछ तो गलत है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सिंड्रेला किसी मुसीबत में है, लेकिन उससे तो आज ही मिला हूँ, शायद यह मेरा कोई बहम होगा। ये सोचकर सोहेल सो जाता है। अगले दिन सोहेल जब सिंड्रेला से मिलने जाता है। सिंड्रेला अपनी आंखें बंद करो। क्यों सोहेल? अरे करो तो, तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया सरप्राइज है। टैनी जैसी ही अपने आंखें बंद करती है, सोहेल उसके हाथ में वही पुरानी चूड़ियां रखता है जो उसे सिंड्रेला ने दिया था। छी, इतनी घटिया चूड़ियां, मुझे तो लगा आप मुझे सोने और हीरो की चूड़ियां दोगे, पर ये इतनी पुरानी और गंदी चूड़ी, ये क्या मजाक है सोहेल? सोहेल को समझते देर नहीं लगती कि ये उसकी सिंड्रेला नहीं है। कौन हो तुम और मेरी सिंड्रेला कहाँ है? मैं ही तो हूँ सिंड्रेला, मैं आपके सामने खड़ी हूँ राजकुमार। सोहेल टैनी को जोरदार चाटा लगाता है। सच बताओ तुम कौन हो और सिंड्रेला कहाँ है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टैनी समझ चुकी थी कि अब उसकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली, वो राजकुमार को सब कुछ सच बता देती है। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। पहले मुझे सिंड्रेला के पास ले चलो, जल्दी। टैनी सोहेल को सिंड्रेला के पास ले जाती है। सोहेल सिंड्रेला को इतनी बुरी हालत में देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। सिंड्रेला तुम्हारी हालत किसने की, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं ठीक हूँ सोहेल, मुझे कुछ नहीं हुआ है। सोहेल सिंड्रेला को अपने महल में लेकर आता है और उसका अच्छे से इलाज करवाता है, और जब सिंड्रेला पूरी तरीके से ठीक हो जाती है तब उसके हाथ में वही चूड़ियां पहनाता है। सोहेल आपने अब तक इस चूड़ियों को संभाल कर रखा है, पर सोहेल मुझे माफ कर देना, मैं आपके फ्रॉक को नहीं संभाल पाई। मुझे सब कुछ पता चल गया है सिंड्रेला, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर इस तरह सिंड्रेला और राजकुमार की बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है। और इधर सिंड्रेला पर अत्याचार करने के जुल्म में टैनी और उसकी माँ को 5 साल का कारावास होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।